Welcome back, my dear kids. How are you? I am Payal, your computer teacher. Today, we are going to start our new chapter of our book, Computer by Brainroot series. The name of our book is Cyber Creators Class 1. तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एमएस पेंट. आज हम एमएस पेंट के बारे में पढ़ेंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? हाउ टू स्टार्ट पेंट. पेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं? ड्राइंग शेप्स, शेप्स को ड्रॉ करना. क्रिएटिंग अ न्यू ड्राइंग, एक न्यू ड्राइंग को क्रिएट करना. टूल्स इन पेंट, पेंट में कौन कौन से टूल्स होते हैं. सेविंग अ ड्राइंग, ड्राइंग को सेव करना. किसी एक ड्राइंग को जो सेव्ड है उसको कैसे ओपन करते हैं. और लास्ट, पेंट विंडो से हम एग्जिट कैसे होते हैं, बाहर कैसे आते हैं. बिफोर वी बिगन, शुरू करने से पहले हमें क्या करनी है? एक एक्टिविटी करनी है. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट देयर नेम्स, ऑल्सो कलर देम. यहाँ पर कुछ डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं और उसको क्या करना है, बहुत सुंदर से कलर करने हैं. तो फर्स्ट शेप बताइए किसकी है? फर्स्ट शेप है रेक्टेंगल, तो हम लिखेंगे RECTANGLE, रेक्टेंगल. द नेक्स्ट शेप इज ऑफ ओवल, यू विल राइट OVAL, ओवल. द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर. नाउ यू हैव टू कलर ऑन दीज पिक्चर्स, आप बहुत सुंदर से इसमें कलर करेंगे. अ कंप्यूटर हैज अ पेंट प्रोग्राम डेट हेल्प अस टू मेक कलरफुल ड्राइंग. कंप्यूटर में एक पेंट प्रोग्राम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स करते हैं. यू कैन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग इट. आप पेंट प्रोग्राम की हेल्प से बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर बना सकते हैं और उसको कलर कर सकते हैं. लेट अस बिगेन बाय लर्निंग हाउ टू स्टार्ट पेंट. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट पेंट, पेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं. टू स्टार्ट पेंट फॉलो दीज स्टेप. पेंट को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, हमें उन्हें फॉलो करना है. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले हम कौन से बटन पे क्लिक करेंगे? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. सिलेक्ट द ऑल एप्स ऑप्शन. जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे. आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? ऑल एप्स का ऑप्शन चूज करना है. नेक्स्ट, क्लिक ऑन पेंट. और उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है? पेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है. नाउ हॉट टिप. अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ. यू कैन ऑल्सो ओपन पेंट बाय टाइपिंग पेंट इन द सर्च बॉक्स. आप पेंट को ओपन कैसे कर सकते हैं? सर्च बॉक्स में आपको क्या लिखना है? पेंट, PAINT, पेंट. नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन. सर्च बॉक्स कहाँ पर होता है? नेक्स्ट टू स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन के बाद होता है. देन क्लिक ऑन द पेंट बटन. और उसके बाद आप पेंट बटन पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप पेंट विंडो पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? पेंट विंडो ओपन होकर आ जाएगी. तो चलिए अब हम पेंट विंडो के बारे में पढ़ते हैं. पेंट विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार. क्या होता है? टाइटल बार, जिसमें क्या लिखा होता है? नाम लिखा होता है कि जोन सी विंडो हमने ओपन किया है. नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार. मेन्यू बार में ऑप्शंस होते हैं फाइल, एडिट, व्यू, एसेट्रा.
नेक्स्ट देयर इज अ स्लाइडर, यहाँ पे एक स्लाइडर होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है ग्रुप्स का, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, यहाँ पे टूल ग्रुप्स है, यहाँ पे कलर ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेटस बार, बिलो में क्या होती है, स्टेटस बार होती है नीचे की तरफ, और टॉप पर क्या होता है, टाइटल बार होती है। नेक्स्ट द ब्लैंक एरिया, ये ब्लैंक एरिया जहाँ पर हम पेंट करते हैं उसे हम कहते हैं ड्राइंग एरिया, हम क्या कहते हैं उसे, ड्राइंग एरिया। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो। नाउ वी विल लर्न अबाउट द टूल्स इन पेंट, अब हम पेंट में जो डिफरेंट टूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर वेरियस टूल्स इन पेंट टू ड्रॉ एंड कलर, पेंट में बहुत अलग अलग टूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं ड्रॉ और कलर करने में। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिफरेंट टूल्स इन पेंट, तो चलिए अब हम डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर वन पेंसिल टूल, पेंसिल टूल का नाम सुनते ही आप समझ रहे होंगे कि पेंसिल का यूज़ किस लिए करते हैं, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए या फिर लिखने के लिए। तो चलिए हम अब देखते हैं पेंट विंडो में इसका क्या यूज़ है। लाइक यू यूज़ पेंसिल इन योर नोटबुक, जैसे आप अपनी पेंसिल यूज़ करते हैं अपनी नोटबुक में। द पेंट प्रोग्राम ऑल्सो हैज़ द पेंसिल टूल, सेम उसी तरीके से पेंट में क्या होता है, पेंसिल टूल होता है। द पेंसिल टूल इज़ यूज फॉर फ्री हैंड ड्राइंग, पेंसिल टूल की हेल्प से हम फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। टू यूज़ द पेंसिल टूल फॉलो दीज स्टेप, पेंसिल टूल को यूज़ करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर वन क्लिक ऑन द पेंसिल टूल इन द टूल ग्रुप, पेंसिल टूल कहाँ मिलेगा, हमें टूल्स ग्रुप में मिलेगा। नेक्स्ट सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ द लाइन यूजिंग द स्लाइडर, स्लाइडर की हेल्प से हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कैसी लाइन चाहिए, हमें पतली लाइन चाहिए या थोड़ी थिक लाइन चाहिए या उससे भी ज़्यादा थिक लाइन चाहिए। इसकी हेल्प हम किससे करेंगे, इसका ऑप्शन हम चूज़ करेंगे स्लाइडर की हेल्प से। नेक्स्ट सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप, अब पेंसिल टूल को यूज़ करने के लिए अगर हमें कलर की ज़रूरत है तो हम कहाँ से यूज़ करेंगे उसे, कलर ग्रुप में से, कि जो हम ड्राइंग बना रहे हैं। अब आप फोटो में देखो ये ब्लैक कलर की है, अगर मैंने रेड कलर चूज़ किया तो मैं जो भी ड्राइंग बनाऊँगी वो कैसी बनेगी, रेड कलर की बनेगी। नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और होल्ड करना है, देन ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया, और माउस पॉइंटर को कहाँ पे ड्रैग करेंगे, ड्राइंग एरिया पर, क्योंकि हम जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे वो हम कहाँ करेंगे, ड्राइंग एरिया में करेंगे। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द नेक्स्ट टूल इज इरेजर टूल, अब हम पढ़ेंगे इरेजर टूल के बारे में। आप सबके पेंसिल बॉक्स में इरेजर है, इरेजर का यूज़ आप किस लिए करते हैं, किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए। सेम इरेजर का यूज़ हम पेंट में करेंगे, जो चीज़ हमसे गलत बन गई है उसको इरेज करने के लिए। ओ यू मेड अ मिस्टेक, वो क्या कह रहा है, आपने एक मिस्टेक कर दी। नाउ यू नीड एन इरेजर, अब आपको क्या चाहिए, एक इरेजर चाहिए। द इरेजर टूल इज यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ अ पिक्चर, अगर हमने कोई पिक्चर ड्रॉ करी वो गलत ड्रॉ हो गई तो उसका जो पार्ट हमें डिलीट करना है हम इरेजर की हेल्प से उसको डिलीट करेंगे। टू यूज़ द इरेजर टूल फॉलो द स्टेप,
इरेजर टूल को यूज़ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है. नंबर वन, क्लिक ऑन द इरेजर टूल इन द टूल्स ग्रुप. तो इरेजर टूल हमें कहाँ मिलेगा? टूल्स ग्रुप में मिलेगा. नेक्स्ट, सिलेक्ट द इरेजर साइज यूजिंग द स्लाइडर. तो जैसे हमने पेंसिल की थिकनेस के लिए स्लाइडर का यूज़ किया था, सेम इरेजर का साइज, हमें इरेजर छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, उसको भी हम किसकी हेल्प से चूज करेंगे? स्लाइडर की हेल्प से. नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन. अब माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और होल्ड कीजिए. मूव इट ऑन द एरिया यू वॉन्ट टू इरेज. और आप उसको कहाँ ले जाएंगे? उस एरिया पे ले जाएंगे जो एरिया आपको डिलीट करना है, मतलब इरेज करना है. नाउ द नेक्स्ट टूल इज फिल टूल. फिल का मतलब किसी चीज़ को भरना. अब हम सीखेंगे फिल टूल का क्या यूज होता है. द फिल टूल इज यूज टू फिल कलर इन योर ड्राइंग. फिल टूल की हेल्प से हम अपने ड्राइंग में कलर फिल करते हैं. यू कैन यूज द फिल टूल टू फिल कलर इन क्लोज शेप ओनली. हम फिल टूल का यूज सिर्फ उन शेप्स को फिल करने के लिए करते हैं जो क्या है, पूरी क्लोज्ड है. लाइक अगर ऐसे हमारा सर्कल पूरा क्लोज्ड है तो इसमें फिल कलर का यूज हम करेंगे. इफ वी मेक अ ओपन शेप सो वी कांट यूज इट, हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे. तो चलिए अब हम कुछ स्टेप पढ़ते हैं किस लिए फिल टूल को यूज करने के. क्लिक ऑन द फिल टूल इन द टूल्स ग्रुप. सेम प्रीवियस टूल्स की तरह हम फिल टूल को भी यूज करेंगे. कहाँ से? टूल्स ग्रुप में से. सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर्स ग्रुप. अब आप अपनी पसंद का कलर चूज करेंगे कलर ग्रुप में से. नेक्स्ट, लेफ्ट क्लिक द माउस इनसाइड द एरिया विच यू वॉन्ट टू फिल. अब आप माउस को लेफ्ट क्लिक करेंगे उस एरिया पर जहाँ पे आपको कलर फिल करना है. सपोज मैंने एक स्क्वायर बनाया, उसके 4 पार्ट किए, मुझे सिर्फ उसके इस पार्ट में कलर करना है, तो मैं माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पर लाकर क्या करूँगी, उसको क्लिक करूँगी और ये एरिया कलर से फिल हो जाएगा. नाउ वी विल लर्न अबाउट द ड्राइंग शेप्स. अब हम ड्राइंग शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली शेप है हमारी रेक्टेंगल टूल की. तो चलिए इसको पढ़ते हैं. द रेक्टेंगल टूल इज यूज टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर. रेक्टेंगल टूल का यूज हम कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाने के लिए करते हैं. टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल फॉलो दीज स्टेप. अब रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप दिए हुए हैं, हमें उनको फॉलो करना है. क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल इन द शेप्स ग्रुप. पेंट विंडो में एक शेप ग्रुप होता है, हम शेप्स ग्रुप में से रेक्टेंगल टूल को चूज करेंगे. नेक्स्ट, सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप. अब रेक्टेंगल को बनाने के लिए हमें जिस भी कलर की नीड है उसे हम चूज करेंगे कलर ग्रुप में से. नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन. अब आपको प्रेस करना है और होल्ड करना है माउस का लेफ्ट बटन. एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल. और आप माउस को ड्रैग करेंगे कहाँ पर? ड्राइंग एरिया में. किस लिए? रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए. कोई भी शेप, कोई भी पिक्चर जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आप ड्राइंग एरिया में ही उसको ड्रॉ करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज ओवल टूल. अब हम ओवल टूल के बारे में पढ़ेंगे. द ओवल टूल इज यूज टू ड्रॉ एन ओवल शेप और अ सर्कल. ओवल टूल का यूज हम सर्कल बनाने के लिए और ओवल शेप बनाने के लिए करते हैं. फॉलो दी स्टेप. तो इसको
ड्रॉ करने के लिए भी हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. नंबर वन, क्लिक ऑन द ओवल टूल इन द शेप ग्रुप. हमें ओवल टूल को चूज करना है कहाँ से, शेप्स ग्रुप में से. नेक्स्ट, सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप. सेम हमें फिर कलर चूज करना है कहाँ से, कलर ग्रुप में से. नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन. हम फिर से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे. उसके बाद हम उसको ड्रैग टू ड्रॉ अ सर्कल. हम उसको ड्रैग करेंगे माउस को क्या बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए. अभी मैंने आपको बताया था कि ओवल टूल की हेल्प से हम सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लाइन टूल. अब हम पढ़ेंगे लाइन टूल का यूज़ हम कैसे करेंगे. द लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. लाइन टूल का यूज़ हम करते हैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए. सेम अब हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे लाइन टूल के यूज़ को करने के लिए. क्लिक ऑन द लाइन टूल इन द शेप्स ग्रुप. लाइन टूल को हम चूज करेंगे कहाँ से, शेप्स टूल में से. सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर्स ग्रुप. अब कलर ग्रुप में से हम लाइन को जिस भी कलर का ड्रॉ करना चाहते हैं हम अपनी पसंद का कलर चूज करेंगे. नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन. अब आपको क्या प्रेस करना है, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना और उसको होल्ड करना. आफ्टर दैट ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ लाइन. उसके बाद आप माउस को ड्रैग करेंगे लाइन ड्रॉ करने के लिए. सबसे पहले आपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया, माउस को होल्ड किया, उसके बाद आपने उसको कहाँ ड्रैग किया, ड्राइंग एरिया में ड्रैग करके एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करी. नाउ आई विल गिव यू अ हॉट टिप टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की. हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे कौन सी की, शिफ्ट की. वाइल ड्रैगिंग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया. किस टाइम पे, जब हम माउस को ड्रैग करेंगे कहाँ पर, ड्राइंग एरिया में. नाउ वी विल लर्न अबाउट ट्राइंगल टूल. अभी तक हमने रेक्टेंगल टूल के बारे में पढ़ा, लाइन टूल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल टूल के बारे में. द ट्राइंगल टूल इज यूज टू ड्रॉ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल टूल का यूज हम करते हैं क्या ड्रॉ करने के लिए, ट्राइंगल. टू ड्रॉ अ ट्राइंगल फॉलो द स्टेप. अब ट्राइंगल टूल को भी यूज करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे. क्लिक ऑन द ट्राइंगल टूल इन द शेप्स ग्रुप. ट्राइंगल टूल भी हमें कहाँ मिलेगा, शेप्स ग्रुप में मिलेगा. सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर ग्रुप. अब अगर हमें ट्राइंगल को ब्लू, रेड एक्सेट्रा जिस भी कलर का ड्रॉ करना है हम कलर ग्रुप में से उसको चूज करेंगे. नाउ प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन. अब हम फिर से माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे. एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ ट्राइंगल. और माउस को ड्रैग करेंगे क्या ड्रॉ करने के लिए, ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए. लेट अस डू. तो अब तक हमने जितना पढ़ा उसके बेस पर हम एक एक्टिविटी करते हैं. मैच द फॉलोइंग. वो क्या है, मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको कुछ टूल्स की पिक्चर बनी हुई है और दूसरी तरफ क्या है, उसका यूज है. तो बताइए सबसे पहली पिक्चर हमारी किस चीज़ की है. सबसे पहली पिक्चर है हमारी लाइन टूल की. तो इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम देखते हैं. इट इज़ यूज टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल. इट इज़ यूज फॉर फ्री हैंड ड्राइंग. इट इज़ यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ पिक्चर.
It is used to fill color in your drawing. It is used to draw a straight line. So we match number 1 to alphabet E. हम उसे E से match करेंगे. Number 2 picture किस चीज़ की है? This is a picture of fill color. हम fill color की है. तो इसको हम किस से match करेंगे? हम number 2 को match करेंगे number D से. Is used to fill color in your drawing. Number 3 है rectangle tool की picture. इसका use होता है किस लिए? To draw a rectangle. Number 4, this is a picture of pencil and pencil tool is used to draw a freehand drawing. The last one is eraser. It is used to erase any part of your picture. अब हम पढ़ेंगे कि जो भी drawing हमने paint में बनाई है हम उसको कैसे save करेंगे. तो चलिए उसके लिए भी कुछ step है. It is very important to save your drawing after finishing the work so that you can open it for later use. तो ये सबसे ज़रूरी है कि आपने जो भी drawing बनाई उसको आप सेव करें. किस लिए? कि अगर बाद में आपको उसका यूज़ करना है या उसको देखना है तो आप उसे देख सकें. टू सेव अ ड्राइंग फॉलो दीज स्टेप. ड्राइंग को सेव करने के लिए कुछ स्टेप हैं, चलिए हम उसको फॉलो करते हैं. Number 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे? फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे. Number 2, क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन. इस पे क्लिक करने के बाद हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? सेव एज का ऑप्शन यूज़ करेंगे. सिलेक्ट JPG पिक्चर. उसके बाद आप किसको यूज़ करेंगे? JPEG पिक्चर ऑप्शन को चूज़ करेंगे. द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर. इसको चूज़ करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा सेव एज का. Now next one, type the name of the file in the file box. उसके बाद file box में अब file का नाम लिखेंगे. देखिए इस तरीके का एक box खुला, उसमें क्या किया आपने? file का नाम. जैसे suppose मेरी file का नाम है tree picture. मैंने कोई picture बनाई, उसका नाम मिलने लिख दिया tree picture. क्या नाम लिखा मैंने? tree picture. तो अब मुझे याद रहेगा कि मैंने जो पिक्चर बनाई थी उसे किस नाम से सेव कर रही हूँ? ट्री पिक्चर के नाम से. क्लिक ऑन द सेव बटन. नाम लिखने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे. तो जब आपने सेव बटन पे क्लिक करा तो उसका मतलब क्या है कि आपकी बनाई हुई पिक्चर क्या हो गई? सेव हो गई. आप बाद में उसको कभी भी देख सकते हैं. नाउ आई विल गिव यू वन हॉट टिप. अब मैं आपको क्या दूंगी? एक हॉट टिप दूंगी. टू सेव अ फाइल. अगर हमें कोई फाइल सेव करनी है, प्रेस द कंट्रोल प्लस एस की टुगेदर. उसको सेव करने के लिए कंट्रोल और एस की को हमें एक साथ क्या करना है? प्रेस करना है. नाउ क्रिएटिंग अ न्यू ड्राइंग. अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें कोई नई ड्राइंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे. टू क्रिएट अ न्यू ड्राइंग फॉलो दी स्टेप. क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. सबसे पहले आप क्या चूज करेंगे? फाइल मेन्यू चूज करेंगे. क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन और उसमें से आप न्यू ऑप्शन को चूज करेंगे. अ ब्लैंक ड्राइंग एरिया अपीयर्स. और न्यू को चूज करने के बाद एक ब्लैंक ड्राइंग एरिया ओपन हो जाएगा आपके ड्राइंग करने के लिए. हॉट टिप. तो चलिए एक और हॉट टिप आपको दी जाती है. टू क्रिएट अ न्यू फाइल, प्रेस द कंट्रोल प्लस एन की टुगेदर. सेव करने के लिए हमने कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस किया था एक साथ. अब न्यू ड्राइंग को चूज़ करने के लिए या ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन की एक साथ प्रेस करेंगे. ओपनिंग अ सेव ड्राइंग.
जो ड्राइंग हमने सेव्ड करी है उसको कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, चलिए फॉलो करते हैं उनको। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग फॉलो दीज स्टेप। नंबर वन, क्लिक ऑन फाइल टैब। सबसे पहले आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक द ओपन ऑप्शन, उसके बाद आप ओपन ऑप्शन को क्लिक करेंगे। किस में से? फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा। सिलेक्ट द फाइल नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फाइल। एक लिस्ट ऑफ फाइल्स खुलेगी और आपको क्या सिलेक्ट करना है, अपनी फाइल का नेम सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द ओपन बटन, योर फाइल विल बी ओपन। उसके बाद आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। नाउ वन मोर हॉट टिप। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल प्रेस द कंट्रोल प्लस ओ की टुगेदर। अब हमें कौन सी की ओपन करनी है अपनी कोई फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ की हम एक साथ प्रेस करेंगे। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू एग्जिट फ्रॉम पेंट विंडो, कि जब हमारा पेंट विंडो में सारा काम ख़त्म हो जाता है तो हम उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना है। टू क्लोज अ पेंट प्रोग्राम फॉलो दीज स्टेप। क्लिक ऑन फाइल टैब। सबसे पहले आप किस पे क्लिक करेंगे? फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द एग्जिट ऑप्शन और उसमें ऑप्शन आएगा एग्जिट का, आपको उस ऑप्शन को चूज करना है। इफ योर फाइल इज नॉट सेव्ड, अगर आपकी फाइल सेव नहीं हुई है, अ पेंट डायलॉग बॉक्स appear asking you whether you want to save the drawing or not. अगर कई बार काम करते करते हम अपनी ड्राइंग को सेव करना भूल जाते हैं और हम पेंट विंडो को बंद करते हैं या उससे एग्जिट होते हैं, तो हमें एक क्या आता है, एक नोटिफिकेशन आता है या फिर पेंट डायलॉग बॉक्स हमसे पूछेगा कि क्या आप अपनी ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं किस लिए, एग्जिट होने से पहले। इफ़ यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस क्लिक ऑन सेव बटन, अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं तो आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इफ़ नॉट देन क्लिक ऑन डोंट सेव बटन, अगर नहीं करना चाहते तो डोंट सेव बटन को क्लिक कीजिए। As per your choice, अपनी choice के according। अब मैं आपको कुछ computer manners बताऊंगी। A computer mouse should be held properly। हमेशा computer mouse का use बहुत अच्छे से कीजिए। Do not play with its wire or pull them। हमें mouse की wire से नहीं खेलना चाहिए और ना उसे पुल करना चाहिए। क्यों? बिकॉज डेट कैन प्रिवेंट द माउस फ्रॉम द वर्किंग प्रॉपरली। तो उससे क्या होगा, माउस प्रॉपरली काम नहीं करेगा। नाउ लेट अस रिवाइंड। तो चलिए हमने जितना लेसन में पढ़ा है एक बार उसको फिर से रिवाइंड करते हैं, एक बार फिर से उसको समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज अ फन प्रोग्राम which you can use to draw color anything you like। Microsoft Paint एक क्या है, एक fun program है जिसकी help से आप draw और color करते हैं pictures को। The pencil tool is used for freehand drawing। Pencil tool से हम freehand drawing बनाते हैं। The eraser tool is used to erase any part of picture। पिक्चर का कोई भी पार्ट इरेज करने के लिए हम इरेजर टूल का यूज़ करते हैं। द फिल टूल इज़ यूज टू फिल कलर इन योर ड्राइंग। द रेक्टेंगल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर। अगर हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ करने हैं उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल की हेल्प लेंगे। द ओवल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ एन
oval or circle. The line tool is used to draw a straight line. Straight line हम line tool से बनाएंगे. The triangle tool is used to draw a triangle. तो बच्चों अब तक आपने lesson में जितना भी पढ़ा उसके बेस पर अब हम कुछ exercises करेंगे. चलिए start करते हैं. Question 1. Take the correct option. आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसके चार ऑप्शन है. आपको सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाना है. नंबर 1, द पेंसिल टूल इज प्रेजेंट इन द डैश ग्रुप. पेंसिल टूल कौन से ग्रुप में मिलती है हमें? टूल ग्रुप, कलर्स ग्रुप, शेप ग्रुप और इमेज. पेंसिल टूल कहाँ पर होता है? टूल्स ग्रुप में होता है. नंबर 2, The dash tool is used to draw a rectangle or square. कौन से टूल की हेल्प से हम रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाते हैं? ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ओवल. नंबर 3, रेक्टेंगल टूल. यू कैन यूज द फिल टूल टू फिल कलर इन डैश शेप्स ओनली. कौन सी शेप्स में हम फिल टूल को यूज करते हैं? ओपन, क्लोज, बोथ ए बी और नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्लोज. जो भी क्लोज्ड फिगर होती हैं या क्लोज्ड पिक्चर होती हैं हम उसमें किसका यूज करते हैं? फिल टूल का यूज करते हैं. नाउ द नंबर 4, द डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ एन ओवल शेप और सर्कल. ओवल शेप और सर्कल को बनाने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? ओवल, सर्कल, राउंड और नन ऑफ दीज. ऑप्शन ए, ओवल टूल. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. द पेंसिल टूल इज यूज फॉर डैश ड्राइंग. कौन सी ड्राइंग करने के लिए पेंसिल टूल का यूज होता है? फ्री हैंड, FREE, free, HAND, hand. The dash tool is used to draw circles. कौन से टूल का यूज हम सर्कल बनाने के लिए करते हैं? That is oval tool. Number 3, dash tool is used to erase any part of picture. That is eraser tool. Number 4, dash tool is used to draw a straight line. स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं लाइन टूल. नाउ द क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. सही स्टेटमेंट के लिए आपको टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आपको एफ लिखना है. नंबर 1, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन प्रेस एंड होल्ड द एंटर की. दिस स्टेटमेंट इज incorrect, so we will write F for it. Number 2, the pencil tool is used for freehand drawing. Pencil tool ka use freehand drawing ke liye hota hai. This statement is true, so we will write T for it. Number 3, the eraser tool is present in the shapes group. Eraser tool shapes group mein hota hai? No. इरेजर टूल शेप ग्रुप में नहीं होता. वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्राइंगल इन पेंट. हम पेंट में ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते. बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यू आर राइट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अभी हमने पढ़ा था कि हम पेंट विंडो में क्या कर सकते हैं? रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं और ट्राइंगल भी बना सकते हैं. Now question number D, answer the following questions. तो अब कुछ questions हैं, मैं आपको उन्हें पढ़कर बताऊंगी और आप क्या करेंगे, lesson को read करके इनके answer खुद लिखेंगे. तो चलिए सबसे पहला है, what is the use of pencil tool? Pencil tool का use किस लिए होता है? The pencil tool is used to draw a freehand drawing. Number 3, what is the use of eraser tool? Number 3, how do you draw a circle in paint? And number 4, why do we use fill tool? आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इरेजर टूल का यूज लिखना है
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखना है कि आप पेंट में सर्कल कैसे बनाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना है व्हाई डू वी यूज फिल टूल, हम फिल टूल को क्यों यूज़ करते हैं। तो बच्चों आप एक बार अपना चैप्टर फिर से अच्छे से रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के आंसर्स आप खुद लिखेंगे। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।